जो भी चाहिए Z5 ऐप पर बस Z5 ऐप डाउनलोड कीजिए और फ्री में देखिए कभी भी कहीं भी। मैम आई एम रियली सॉरी मैम, मैंने आपसे झूठ बोला, लेकिन मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ कि आज के बाद मैं कभी ऐसा कोई काम नहीं करूँगी जिससे आपको दुख पहुँचे, प्रॉमिस मैम। यही रजिस्टर है ना? यस सर, सारे आरजेएंड के कंटेस्टेंट के रिकॉर्ड इसी में है। बाकी? हे भगवान, अगर रिकॉर्ड में मेरा नाम दिख गया तो? ये क्या कर रही हो? ₹5,00,000 एक फिल्म की डबिंग के लिए। मैं अपनी आवाज को नताशा मैम का नाम नहीं दे सकती। आई एम रियली सॉरी सर, मुझे ये सौदा मंजूर नहीं है। मिस पाखी जोशी, अगर तुम अपनी आवाज नताशा को नहीं दे सकती तो आज तुम्हारी नौकरी का आखिरी दिन होगा। सर यही है वो जिन्होंने हमसे हमारी चेन छीनी थी, वो लड़की भी थी ना, कहाँ है वो? अरे साहब ये हमारे कपड़े हैं, ये देखिए यही तो मेरी चेन है। मैंने कुछ नहीं चुराया, मैं चोर नहीं हूँ। चोर मचाना बंद करो, और तुम्हारी सासी का है, तुम्हारी बेटी, वो मिल जाएगी ना तो उसे भी जेल में डाल दूंगा। उस 2% की लड़की को मैंने खून के आंसू ना रुलाए तो मेरा नाम नताशा मित्रा नहीं। हेलो, जल्दी से जल्दी यहाँ पहुँचो। वो मैं, लगता है तुमने कॉन्ट्रैक्ट बिना पढ़े ही साइन कर दिया। कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से मैं तुम्हें जब बुलाऊं तुम्हें यहाँ आना ही पड़ेगा। चल देखिए, मैं शाम तक की मोहलत नहीं दे सकता हूँ। हमें जानकी जोशी को पुलिस स्टेशन ले आना पड़ेगा और लॉकअप में भी डालना पड़ेगा। अभी लेके चलो मुझे जानकी जोशी और उनकी बेटी के पास। नहीं, मैं आई को जेल नहीं जाने दूंगी। वो दोनों अपने किए पे शर्मिंदा हैं। घर वालों के सामने बाहर वालों की सिफारिश मत कर। मैं भूली नहीं हूँ क्या क्या कहा उस जानकी ने। अगर आप ऐसा कह रही हैं तो मैं उनको बोल देता हूँ कि वो दोनों यहाँ से चले जाएं। मेरी बात मानो तो उस पाखी को सॉरी के मैसेजेस भेजना शुरू करो। रिप्लाई आया? नो, नॉट अ सिंगल वर्ड। लव। अब मुझे ही टाइप करना होगा। जी। जय हो भाई जी। ये हुई त्रुप की जान। भाई जी को 1 घंटे पहले ही बुला लिया। आइए आइए। भोजन तो उद्यत है ना? तैयार। भाई जी पूछ रहे हैं कि खाना तैयार है ना? हाँ हाँ तैयार है, बस अभी लगा देते। अरे पा, ओम शांति। हम बहुत भाग्यशाली हैं जो हमें आपके दर्शन हुए। आश्रम के पूजनीय गुरुजी तक हमारा प्रणाम पहुंचाइएगा। अवश्य। अब भोजन तो तैयार है भाई जी, बस एक निवेदन है आपसे। ये पाखी क्या बाजी पलटने जा रही है? ये नक्श है। जय श्री कृष्ण। हमारी आदरणीय बाके पोते और आश्रम के गुरुजी के बहुत बड़े भक्त। इन्होंने बहुत सारी कथाएं सुनाई हैं आपकी और ये एक फोटोग्राफर बनना चाहते हैं। अवश्य बनोगे बेटा, मेहनत से सब काम संभव है। अब मेहनत तो ये बहुत करते हैं, लेकिन इन्हें मेहनत का फल ही नहीं मिलता। मैंने समझाया इन्हें कि आश्रम के तप में बहुत शक्ति होती है। अगर ये आश्रम के किसी व्यक्ति की
फोटो खींचेंगे तो इनका काम अवश्य सफल हो जाएगा। अब इनका कैमरा पुण्य से भर जाएगा, तो इसीलिए ये आपकी एक फोटो, अब मतलब आपका एक छाया चित्र खींचना चाहते हैं। वैसे छाया चित्र तो हमारे गुरुजी की खींचनी चाहिए, परंतु हम भी अपने गले में गुरुजी का चित्र पहनते हैं। अगर आप हमारी भी चित्र खींचेंगे तो आपको पुण्य मिल सकता है। जी जी बिल्कुल। चलो बेटा खींच लो हमारी चित्र। नक्श, कम से कम एक घंटे तक फोटो खींचना। हजार फोटोज होना है ना, तब भी मत रुकना। जब तक मैं ना बोलूं कि खाना तैयार है तब तक बस पिक्चर्स क्लिक करते रहना। मैं तब तक खाने का कुछ इंतजाम करूंगी, ठीक है? बाकी जोशी यार एक बात बताओ, तुम्हारे दिमाग में इतने आइडियाज आते कहां से हैं? हां मजबूरी सब सिखा देती है नक्श। माफ कर दो महाराज जी। क्या है कि मैंने जो नई रसोईयन रखी है आपके लिए, मैंने उसे सात्विक भोजन बनाने को कहा था और उसने चाइनीज बना दिया। चीनी भोजन? हम क्रोधित हैं, हमारा घोर अपमान हुआ है। अब हम आपको अपने भोजन प्रबंध के लिए कभी भी नियुक्त नहीं कर सकते। जॉब के लिए इंटरव्यू देने आए हैं। तुम भी इसलिए आए हो ना? तुम नौकरी रखो, हम जा रहे हैं। मुबारक हो नौकरी। एहसान करने की जरूरत नहीं है, अगर तुम में काबिलियत होगी तो नौकरी खुद मिल जाएगी। ओहो, डर गए? हम इंटरव्यू देंगे और ये नौकरी हासिल भी करेंगे। नौकरी तो हमें मिलेगी। अरे मैं उदास नहीं हूँ, किसी को याद कर रहा था मैं, वो जिसने मुझे प्यार करना सिखाया। और प्यार से बड़ी तो कोई खुशी हो ही नहीं सकती ना। वो जब तक साथ थी मैं बहुत खुश था, वो नहीं है अब कम खुश हूँ। आप किसे याद करके इतना सैड हो रहे थे? मेरी वाइफ। प्यार से कई बढ़कर दोस्ती, और करण के साथ मेरी दोस्ती मुझे बहुत प्यारी। ऐसी दोस्ती में दोस्त एक दूसरे की परवाह भी करते हैं, एक दूसरे से प्यार भी करते हैं। लीजिए ये शादी का शगुन। माँ वो मैं कह रही थी कि ये शादी, ये अब शादी हो जानी चाहिए। आपके पंडित जी कह रहे हैं ना कि शुभ मुहूर्त है 3 दिन बाद, तो फिर 4 दिन बाद क्यों, आप 3रे दिन ही बारात लेके आ जाइए। लाइफ के ऐसे मोड़ पे खड़ी हूँ कि ना आगे जा सकती और ना ही पीछे मुड़ के देख सकती। थक गई हूँ मैं अब, इसलिए अब मेरे पास बस एक ही रास्ता बचा। सॉरी बेटा, सॉरी कि बीच राह में आपको छोड़ कर जा रही हूँ। मुझे मल्हार जी को ये बात बतानी ही होगी। आप अंदर नहीं जा सकते। देखिए बहुत अर्जेंट काम है, हटिए आप। सर बहुत गुस्से में है इस वक्त, उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि आप अंदर नहीं आ सकते। अब शान और पुचकी को एक होने से दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती। मैं भी हम दोनों की प्रेम कहानी को मुकम्मल होते हुए देखना चाहती हूँ शान। नामुमकिन, हम दोनों ऐसा नहीं होने देंगे। क्यों?
कभी पूरी नहीं होगी आप दोनों की ये दो कौड़ी की लव स्टोरी। आप दोनों दुनिया को इधर से उधर कर लीजिए, मुझे और शान एक होने से कोई नहीं रोक सकता। देखकर अपनी सास और सौतन नाम की खलनायिकाओं को मात, देखिए शान और पुचकी कैसे अंजाम देते हैं साल की सबसे बड़ी प्रेम कहानी को। तुमसे ना हो पाएगा मैं कल, देखिए। जाके मेरे पति को बुला। हम तो उन्हें बुलाने से रहे और वो यहाँ आने से रहे। तो कनेक्ट, कल सुबह मैं तुम्हारी सारी हेकड़ी निकाल दूंगी कुट्टा। अभी क्या, अभी गिरफ्तार कीजिए अभी ने इंस्पेक्टर साहब। मेरी बेटी के होते हुए भी अपनी पहली पत्नी से शादी करने जा रही है। अब आप वही करेंगे जो हम कहेंगे, आपको सारी की सारी सच्चाई उगलनी होगी। हम अंतरा जी का सच सबके सामने ला कर रहेंगे।